बॉलीवुड कॉकटेल। पैडमैन फिल्म की सक्सेस के बाद अक्षय कुमार ने एक बार फिर अपने फैंस को सरप्राइज किया है। विनर्स कैसे लेजेंड्स बनते हैं, अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म की ट्रेलर में ये प्रूफ किया है। कल ही अक्षय कुमार की नई फिल्म गोल्ड का ट्रेलर YouTube पे रिलीज हुआ, जिसमें अक्षय कुमार बंगाली एक्सेंट में हिंदी बोलते हुए नजर आएंगे। एक्टर अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में कुणाल कपूर, विनीत कुमार सिंह, अमित साध, टेलीविजन सीरियल नागिन की पॉपुलर एक्ट्रेस मौनी रॉय भी एक पावरफुल अवतार में नजर आएंगी। पूरी फिल्म का कास्ट बहुत ही पावरफुल और टैलेंटेड है, जिसमें मौनी रॉय का ये फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू है। मौनी रॉय ने भी इंस्टाग्राम पे अपने गोल्ड मूवी की वीडियो पोस्ट की है। अगर फिल्म के टीजर की बात करें तो मिस कॉकटेल ने भी टीजर देखा। इस टीजर में दिखाया गया है कि ये कहानी एक इंडियन हॉकी टीम के कोच की है, जिसमें अक्षय कुमार एक सच्चे देशभक्त के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी एक कोच के स्ट्रगल और डेडिकेशन से भरी हुई है, जो इंडिया को हॉकी में इंडिपेंडेंस के बाद अपना फर्स्ट गोल्ड दिलवाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है। फिल्म का ट्रेलर आपको 1936 से 1948 के इंडियन एरा में ले जाएगा कि कैसे एक कोच 12 साल के स्ट्रगल के बाद इंडिया को इसका पहला हॉकी गोल्ड मेडल दिलवाता है। गोल्ड फिल्म का ट्रेलर आजकल न्यूज में काफी ज्यादा छाया हुआ है। यूट्यूब पे अब तक सिर्फ एक दिन में इसे 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और फिलहाल ये नंबर वन पर ट्रेंडिंग भी चल रहा है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के ऐसे एक्ट्रेस हैं जो हमेशा अपने फैंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं। उनकी हर एक फिल्म सोसाइटी को एक मैसेज भी देती है। इसके पहले चाहे रुस्तम हो, एयरलिफ्ट, स्पेशल 26 जैसी मूवीज में भी वो नजर आ चुके हैं। उनकी फिल्म पैडमैन ने भी फैंस को काफी इंटरटेन किया था और सोशली अवेयर भी करवाया। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रीमा कागती ने और ये फिल्म 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 2018 को रिलीज के लिए स्लेटेड है। दिस इज ऑल फ्रॉम मिस कॉकटेल फॉर नाउ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू हैव एवरी सिप ऑफ बॉलीवुड कॉकटेल।